इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्वालियर में निर्माणाधीन राजमाता विजयाराजे सिंधिया सिविल एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन एयर टर्मिनल में काम के दौरान आज फिर एक हादसा होने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। 3 महीने में ये दूसरी बड़ी घटना है। घटना के बाद घायल मजदूर के नाराज साथियों ने जमकर बवाल किया, जिसके चलते मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और पुलिस विवेचना में लगी है। आपको बता दें कि लगभग 500 करोड़ की लागत से यहाँ कार्गो टर्मिनल बन रहा है। इसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है और आज दोपहर अचानक इसमें गिरने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उठाकर बिला अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसे भर्ती करवाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद साथी मजदूर ने बताया कि सुबह जब काम के लिए वह ऊपर चढ़ा तो संतुलन गड़बड़ाने से काफ़ी ऊंचाई से वह एकदम नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ सेफ्टी उपकरण के बिना उसे 50 फुट ऊंची सीलिंग पर चढ़ा दिया गया, जिससे वह गिर गया। मौकम के गिरने के बाद वहाँ मौजूद कंपनी के अधिकारी मौके में भाग निकले। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऊपर नाम है सर उसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है सर। क्या पूरा मामला हुआ है? क्या ऊपर काम कर रहे थे सर ऑटो एयरपोर्ट में, तो 50 फुट की हाइट थी, उसमें कोई सेफ्टी नहीं थी वहाँ पे, और सुबह ड्यूटी गई डायरेक्ट चढ़ा दिए। कोई समझाता नहीं है, टीवीएम नहीं होता है, कोई रूल नहीं है वहाँ। किस जगह घटना है? ये एयरपोर्ट की है, ग्वालियर, नया एयरपोर्ट ग्वालियर। तो इसकी शिकायत अभी किसी से की या नहीं की आपने? नहीं सर, डायरेक्ट भर्ती है हॉस्पिटल में, कंपनी वाले सेफ्टी वाले लेके आए। क्या हालत है अभी? हालत तो सीरियस है, अभी बोल रहा है सीरियस ही, लेकिन उसका हाथ में चोट है, एक हाथ टूट गया उसका, दोनों एड़ी पैर फिचर हो गए। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह है उनसे आपकी कोई बातचीत वगैरह हुई? नहीं सर, कोई मिला ही नहीं वहाँ पे, सब भाग गए। तो ये कब से काम कर रहे थे और कहाँ के रहने वाले हैं? अभी सर ये ब्रजबड़ी गांव, ब्रजगढ़ी है, तहसील जोरा है, जिला मुरैना है। कब से काम कर रहे थे? अभी 10-15 दिन हुए हैं सर उसको आए। तो सुबह किस तरह से घटना हुई है, क्या क्या? सुबह 11:30 बजे की टाइम की बात है सर। 11:30 तो मतलब कहाँ काम कर रहे थे? ऊपर पे स्टॉप में काम कर रहे थे, वहाँ पे क्या पेड़ा बना देना, पेड़ा। इतनी दूर से जाली आ रही थी तो बोल रहे साहब लोग कि तुम वहाँ से जाली लाओ, नीचे से कोई कोई सेफ्टी नहीं है, कोई रस्से की बोला हमने सुबह में, रस्सा दो, हमारी रस्से से जाली लेंगे तो बोले कि रस्से से क्या करोगे, वैसी लेना, हाथ की आतन ले लो, खोलो तो बाड़ा, एक बाड़ा भी खोलोगे तो हाथ की हाथ लो, कोई रस्सा नहीं देता है। क्या सर? आपके साथ ही काम करते थे? हाँ सर, आपके साथ ही, हमारे साथ ही थे, हमारी गैंग में ही थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एयरपोर्ट जो नया बन रहा है उस पर एक व्यक्ति किसी हादसे का शिकार हुआ है। मौके पर पहुंचे तो वहाँ देखा था, ज्ञात हुआ था कि एक व्यक्ति ऊपर फॉल सीलिंग पर से गिर पड़ा है, जिसको कमर वगैरह में चोट है, नाम उसका भूकंप बताया गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। कैसे क्या घटना हुई थी? सीलिंग से गिरने पर सूचना प्राप्त हुई। कहाँ का रहने वाला है? क्या इतनी गया थे? अभी भूकंप सिंह है उसका नाम। अभी क्या स्थिति है इसकी? उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। गंभीर चोट आई है? अभी डॉक्टर ही बता सकता है कितनी चोट की कितनी गंभीरता है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।